बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। मैं हूँ मतीन खान। तो चलिए करते हैं जो आज के ब्लॉग को शुरू। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल और टाइटल पर पता चल गया होगा कि आपको आज मैं अर्रहमान गार्डन सियालकोट का इंशाल्लाह विज़िट करवाऊँगा। अर्रहमान गार्डन अर्रहमान डेवलपर्स का एक प्रोजेक्ट है जो कि लाहौर में पहले काफ़ी कामयाब है, तो अब यहाँ पर सियालकोट में आया है। तो सियालकोट का रहमान गार्डन एक नई और अच्छी सोसाइटी है, तो इंशाल्लाह आज उसका आप लोगों को विज़िट करवाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो अभी मैं घर से निकल आया हूँ बाइक लेके, तो अभी मैं जा रहा हूँ। ये भी मैं रहमान गार्डन के बिल्कुल सामने पहुंच चुका हूँ। ये रहमान गार्डन की एंट्रेंस नज़र आ रही है और ये रोड है। और अभी मैं आपको रहमान गार्डन की लोकेशन का बताता हूँ, ये कहाँ पर वाक़ है। एमनाबाद रोड, जो कि सियालकोट का एमनाबाद रोड है। आप अगर सियालकोट सिटी से पुल लैक नाला एक से 5 किलोमीटर आगे आएँ इस तरफ एमनाबाद रोड पर 5 से 7 किलोमीटर, तो आगे आपको रहमान गार्डन नज़र आएगा। इससे पहले आपको सियालकोट की मंडी और जीसी वुमेंस यूनिवर्सिटी नज़र आएगी, और गर्ल्स की जो कि अभी बन रही है, तो उससे आगे आपको रहमान गार्डन मिलेगा। काफ़ी अच्छी सोसाइटी है, चले आप इसके अंदर विज़िट करते हैं। ये रोड पर पीछे गाड़ियों को काफ़ी शोर था, तो चलें अब रहमान गार्डन के अंदर चलते हैं और आगे अंदर जाके विज़िट करते हैं। यह रहमान गार्डन में हम एंटर हो चुके हैं, और ये इस तरफ और पीछे जो आपको दिखाए हैं, और ये यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर्स के ऑफिस हैं। अगर आप यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी बाय वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। और ये इसके रोड्स हैं, काफ़ी खुले और अच्छे बेहतरीन रोड्स हैं। दोनों तरफ इनके प्रॉपर्टी डीलर्स के ऑफिस हैं। यह रहमान गार्डन की मेन बुलेवर्ड बड़ा रोड है, और ऊपर ये लाइटें वगैरह आप चेक कर सकते हैं। और साथ ही हमें आगे ये मस्जिद नज़र आई है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी मस्जिद है। और ये राउंड अबाउट है इनका। ये रहमान गार्डन की मस्जिद है, माशाल्लाह काफ़ी प्यारी और ख़ूबसूरत मस्जिद है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। यहाँ पर ये मस्जिद के बिल्कुल सामने रहमान गार्डन के मेन ऑफिस बन रहा है, जो कभी ज़ेर तमीर है। और ये इसका राउंड अबाउट है, बिल्कुल चारों तरफ रोड जो जा रहे हैं। और ये इन्होंने एक इधर होटल बना रहे हैं, टावर होटल, तुर्की में सेम टू सेम इस तरह का होटल है, तो उसकी ये कॉपी कर रहे हैं। तो ये जो होटल है, इसके ऊपर ये वाली छतरी ये जो नज़र आ रही है, ये इसके ऊपर रखी जाएगी। तो चलें अभी आगे विज़िट करते हैं। ये अभी हम इस होटल टावर के पास आ गए हैं, तो ये इसकी छतरी काफ़ी बड़ी और माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है। वीडियो में आपको शायद पता लग जाए। और ये टावर है, और यहाँ पर ये इसका प्लान दिया गया है कि इस तरह का बनेगा। ये जो राउंड अबाउट आपको मैंने दिखाया वो है, और आगे फिर वो टावर रहमान गार्डन फ्लैक्स में लगाई हुई है ये। तो इसके साथ ये पीछे पार्क है, इसका विज़िट करवाते हैं आप लोगों को। माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत पार्क बनी हुई है। ये सिटिंग पोजीशन, बैठने की जगह, और ये होटल जो आपको मैंने दिखाया है, सूरज की वजह से शायद अभी आपको सही ना नज़र आए, लेकिन ये सही नज़र आ रही है पार्क। ये इन्होंने यहाँ पर पार्क के अंदर इंजॉयमेंट के लिए ये छोटा सा फाउंटेन वगैरह बनाया हुआ है, ठीक है। तो अभी दूसरी तरफ चलते हैं। ये पीछे कुछ घर बन रहे हैं,
बनना शुरू हो गए हैं यहाँ पर काफ़ी स्पीड से। ये वो पार्क है, ये इसके पास आके पता चल रहा है कि भाई काफ़ी बड़ा होटल, काफ़ी जगह के अंदर है ये। वो इसके ऊपर रखी जाएगी बाद में जब ये तैयार हो जाएगा। ये पीछे आप मशीनरी वगैरह चेक कर सकते हैं कि इधर काम तेज़ी से जारी है, तरक्की आती। पार्क काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ पर ये पेंटिंग्स वगैरह पार्क के अंदर ही ये बनाई हुई हैं इन्होंने। ये इसके बिल्कुल सामने, ठीक है, हर तरफ ये नज़र आ रहा है, जिस तरफ से जाएं आपको ये ज़रूर नज़र आएगा। और ये काफ़ी इधर से इन्होंने प्लॉटिंग कर दी है इस जगह से। तो अभी मैं इधर ये पार्क के अंदर घूम रहा हूँ, तो अभी चलते हैं बाइक पर, तो आगे विज़िट करते हैं और इसकी जो प्लेसेस हैं घर इधर तो एक दो बना हुआ है वो दिखाते हैं। और बाकी इसकी अब काफ़ी तेज़ी से खरीदो फरोख्त जारी है। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ के डीलर से रब्ता कर सकते हैं। चलिए, ये भी मैं इनके इन रोड पर घूम रहा हूँ, तो यहाँ पर ये एक घर बिल्कुल तैयार है और आगे ये इस तरफ ये काफ़ी इन्होंने सड़कें बना रहे हैं, काफ़ी जगह इन्होंने अभी खरीदी है उसके ऊपर इन प्लॉटिंग कर रहे हैं। ये मशीनरी इधर पड़ी हुई है और ये अल रहमान दस्तरखान है, यहाँ पर पता नहीं खाना वगैरह बनता है। ये भी घूमकर ये राउंड बोर्ड के पास आ गए हैं। यहाँ पर इस राउंड बोर्ड के इस तरफ मस्जिद है, इस तरफ रहमान गार्डन का अपना और मेन ऑफिस है, और आगे वो पार्क होटल टावर वगैरह। अभी यहाँ से हम घूम के वापस चलते हैं। माशाल्लाह सोसाइटी तो काफ़ी अच्छी है, जो आजकल नई सोसाइटियों में बेहतरीन सोसाइटियों में इधर सहूलतें प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, गैस और सीवरेज वगैरह अंडरग्राउंड ही है। इसकी छत पर आपको हवा में इसकी तारें यहाँ पर भी नज़र आएगी, जो कि अच्छी सोसाइटीज़ में होती हैं। लेकिन बात यह है कि अभी बिल्कुल स्टार्ट है, तो इसको इसकी डिवेलपमेंट होते होते काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अभी इधर से हम वापस चलते हैं। ये इसके रोड्स हैं रहमान गार्डन सियालकोट के, मेन रोड जो कि बाय रेमनाबाद रोड की तरफ जाता है। ये आगे से भी इन्होंने अब रोड ज़्यादा और चौड़ा कर रहे हैं, खुला करने के लिए इन्होंने जगह खरीदी है और यहाँ पर ये रोड बना रहे हैं। तो ये रोड खुली एंट्रेंस हो जाएगी यहाँ से, तो अभी हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो गाइस अभी मैं अपने टाउन में वापस आ चुका हूँ, तो अभी यहाँ से मैं घर जा रहा हूँ। तो गाइस अभी मैं घर वापस पहुँच चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो या रहमान गार्डन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।